वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो पिछले वाली वीडियो में हमने पार्ट वन देखा था क्वीन थ्योरी का, इस वीडियो में हम पार्ट टू देखेंगे क्वीन थ्योरी का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट। इस पार्ट में हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंसली इसको देखें, और छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ क्वीन थ्योरी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर ये अच्छा लगे तो। अब न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कुछ 6 से 7 चीज़ों का पता होना चाहिए, वही चीज़ें आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें सीधा बोला जाता है कि जितने भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको निकालो। तो आपने ये जो मैं 6 things करवाऊँगा आपको, आपने उसको फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, और 1 सेकेंड का काम है एक चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बताना चाहिए, जैसे अराइवल रेट, जिसको कि हम लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं इस साइन के साथ। ठीक है, सर्विस रेट, जिसको हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, अराइवल रेट को लैम्डा के साथ, सर्विस रेट को न्यू के साथ। ओके, अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो जैसे मैं करवाऊंगा उसी पैटर्न में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आपको अराइवल रेट दिया होगा, वहां पे सर्विस रेट भी दिया होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं रो के साथ ऐसे। क्लियर, तो रो कैसे निकालते हैं, लैम्डा अपॉन म्यू, दैट इज जो आपको अराइवल रेट दिया होगा उसको डिवाइड करोगे आप सर्विस रेट के साथ, वो आपके पास क्या आ जाएगा, यूटिलाइजेशन रेट या यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्लियर हो गया? जब आपने ये निकाल लिया उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सिस्टम लेंथ निकालना। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मैंने बताया था कि जो आपका कस्टमर वेटिंग में खड़ा है, ठीक है, और प्लस जो आपका कस्टमर सर्विस ले रहा है, कस्टमर बीइंग सर्व्ड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, अगर याद नहीं है तो पिछले वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टम की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, ls इज इक्वल टू जो आपने रो निकाला है उसको लिखोगे ऊपर, और डिवाइडेड बाय 1 - रो, इतना सिंपल है। देखो, क्लियर, जब आपने ये निकाल लिया उसके बाद आप निकालोगे क्यू की लेंथ। ये तो सिस्टम की आई, सिस्टम मतलब जो कस्टमर वेटिंग कर रहा था वो, और जो सर्विस ले रहा था वो, दोनों की लेंथ आई। बट आप किसकी निकालेंगे, सिंपल क्यू की, क्योंकि मतलब जो आपकी लाइन में खड़ा है बंदा बाहर। ठीक है, तो उसकी कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, जो आपने ls निकाला यहाँ से, ठीक है, उसको यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई कर दो रो के साथ, जो आपने यहाँ पे निकाला होगा पहले। क्लियर, बहुत आसान है, मैं भी बता रहा हूँ, ये पैटर्न आपको कहीं पे नहीं मिलेगा सीखने को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, मतलब इन द सिस्टम पूछ रहा है, ये सिस्टम मतलब जितना आपको टाइम उस लाइन में खड़े होने के लिए लगा और साथ में सर्विस लेने के लिए लगा, उसको बोलेंगे वेटिंग टाइम ऑफ द इन द सिस्टम, जिसको हम डिनोट करते हैं ws के साथ। तो ws कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आपने पीछे ये ls निकाला ना, ठीक है, इस ls को आप डिवाइड कर दोगे अराइवल रेट के साथ, दैट्स इट, कंप्लीट। मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस वीडियो में, तो वहां पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, वेटिंग टाइम इन द क्यू। ठीक है, वेटिंग टाइम इन द क्यू में क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं wq के साथ। तो wq इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पीछे lq निकाला था, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है लैम्डा के साथ। क्लियर, या फिर इसको निकालने का एक और तरीका है, wq इज इक्वल टू जो आपने पीछे ये ws निकाला ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे रो के साथ, आपका वेटिंग टाइम इन द क्यू आ गया। क्लियर, और लास्ट आपको निकालते हो इसमें आइडल रेट। तो आइडल रेट आपका कुछ नहीं है, रो नॉट के साथ इसको डिनोट करते हैं 1 - रो, सिंपल, जो आपने रो निकाला है ना ये, ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे 1 से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आइडल रेट। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत इजीली करवाई है मैंने आपको ये। ठीक है, अब इसको आइए न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो, ये आपका न्यूमेरिकल है, और फर्म हैज़ अ सिंगल मशीन। अब देखो, सिंगल मशीन है मतलब सर्विस फैसिलिटी क्या है, सिंगल है। इन अ रिपेयर शॉप ही वर्क्स 8 hours a day। कोई पर्सन है वहाँ पे, ठीक है, तो वो कितने दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 hours, एंड ऑन एन एवरेज 6 machines गो आउट ऑफ वर्क ईच डे। और वो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी मशीन्स ठीक हो जाती हैं, 6 machines, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इफ इट टेक्स ऑन एन एवरेज 1 hour
टू रिपेयर अ मशीन, अगर एक मशीन को सही होने के लिए कितना एवरेज कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है, देन कैलकुलेट वेरियस करेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू वेटिंग लाइन सिस्टम। आपसे पूछा कि वेरियस करेक्टरिस्टिक, अब जो मैंने आपको 6 से 7 करेक्टरिस्टिक करवाई उनको आपने कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, आपको क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जब ये शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको अराइवल रेट और सर्विस रेट पता होना चाहिए, फिर आपका ऑटोमेटिकली सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको ये क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, आपको इसमें अराइवल रेट निकालना होता है। तो यहाँ पे एक आप फॉर्मूला लिखोगे अराइवल रेट का, फॉर एग्जांपल दिस इज अराइवल रेट, ठीक है, ये आपका अराइवल रेट का फॉर्मूला है, ये आपको देखना है। अराइवल रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अराइवल्स अपॉन टोटल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या बोलता है, यहाँ पे हम लिखते हैं अराइवल रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अराइवल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ टाइम, या टोटल टाइम आप ऐसे लिख लो, टोटल टाइम। अब देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है, ही वर्क्स 8 आवर्स अ डे एंड ऑन एन एवरेज 6 मशीन्स गो आउट ऑफ वर्क ईच डे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अराइवल, कितनी मशीन्स बाहर जाती हैं, टोटल नंबर ऑफ अराइवल कितना है, 6, क्लियर हो गया। और टोटल टाइम कितने घंटे वो काम करता है, देखो 8 आवर्स, तो मतलब यहाँ पे 8 आवर्स टोटल टाइम कितना, 8 आवर्स। तो आपके पास अराइवल रेट आ गया 2 3 6 और 2 4 8 ऐसे, और यहाँ पे नोटेशन क्या आएगी साथ में, 3/4 मशीन्स पर आर, क्लियर हो गया। तो अराइवल रेट निकालने का ये फॉर्मूला है आपका, बस सिंपल एज इट इज। अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो 1 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो कैसे निकालना है अराइवल रेट, टोटल नंबर ऑफ अराइवल कितनी मशीन्स बाहर जाती हैं, 6, और टोटल टाइम कितना लगता है आपको, लगाता है 8 आवर्स, तो 6/8 दैट इज 3/4 मशीन्स पर आवर। सर्विस रेट देखो, सर्विस रेट अराइवल रेट को किससे डिनोट करते थे हम, ये देखो लैम्डा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लैम्डा, आपके पास लैम्डा आ गया, देखो 3/4 आ गया लैम्डा आपके पास, क्लियर, ठीक है जी। अब आपको निकालना है सर्विस रेट, दैट इज म्यू, ठीक है। तो म्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो म्यू हमने क्या, सर्विस रेट, सर्विस रेट मतलब सर्विस लेने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सर्विस रेट। तो यहाँ लिखा है देखो कि इट टेक्स ऑन एन एवरेज 1 आवर टू रिपेयर अ मशीन, एक मशीन को ठीक करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर, मतलब एक मशीन को सर्विस के लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर। तो सर्विस रेट मतलब हमने डायरेक्ट ही दिया है 1 आवर या 1 मशीन पर आवर ऐसे, क्लियर हो गया। अब हमारे पास लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया। अब चलो, अब बस जैसे मैंने बताया था, पहली चीज क्या निकालेंगे हम, यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्लियर है, ये है यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैसे, लैम्डा अपॉन म्यू। अब निकालो यहाँ पे पहली चीज, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 3/4 और म्यू, म्यू कितना है 1, तो 1 ऐसे लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया 3/4, सिंपल, ये पहला आंसर आ गया, रो आ गया आपके पास। सेकेंड चीज निकालते हैं, देखो सेकेंड हम क्या निकालते थे, देखो सिस्टम लेंथ दैट इज LS, और LS का फॉर्मूला क्या था, रो अपॉन 1 माइनस रो, देखो रो आपके पास आ गया, तो LS इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो, रो कितना निकाला है आपने 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा 4 4 माइनस 3 1 1/4 दैट इज 3/4 ये 1/4 ऐसे 1/4, तो 4 से 4 कैंसल, आंसर क्या बच गया 3। तो लेंथ आपकी सिस्टम लेंथ कितनी है 3 मशीन्स, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालते थे हम, क्यू लेंथ कितनी कैसे निकालते हैं, अब कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था LQ इज इक्वल टू क्या करना है, जो आपके पास LS निकला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, रो के साथ, ठीक है। तो आपके पास थर्ड चीज LQ कैसे निकालते, मैंने बोला था जो आपके पास LS निकला उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, रो के साथ। LS कितना आया था आपके पास 3 और रो कितना है आपके पास 3/4, दैट मींस जो आपके पास आंसर आया वो आया 9/4 मशीन्स, क्लियर, ओके। अब उसके बाद क्या निकालते थे हम, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, कैसे, जो आपने LS निकाला उसको डिवाइड कर दो लैम्डा के साथ, ठीक है। तो LS कितना निकाला है आपने 3, लैम्डा कितना है आपके पास 3/4, तो डिवाइड कर दो, देखो फोर चीज WS इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं LS डिवाइडेड बाय लैम्डा, व्हाट इज LS, LS आया आपके पास आया 3 एंड व्हाट इज लैम्डा 3/4, तो 3/4 तो 4 ऊपर चला गया, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास वेटिंग टाइम इन द सिस्टम क्या बचा 4 आवर्स,
क्लियर हो गया, ठीक है। फिफ्थ, वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो वेटिंग टाइम इन द क्यू मैंने कैसे बताया था, एल क्यू अपॉन लैम्डा। व्हाट इज एल क्यू, देखो देखो यहाँ पे एल क्यू कितना है आपके पास, 9/4, ठीक है। एल क्यू आपके पास 9/4 और लैम्डा कितना है आपके पास 3/4, 4 ऊपर चला गया तो 4 से 4 कैंसिल और 3 1 3, 3 3 9, आंसर आ गया आपके पास 3 आवर्स। अब इसका मतलब है कि वेटिंग टाइम इन द क्यू, मतलब उनको क्यू में कितना टाइम खड़े होना पड़ रहा है, 3 घंटे। उनको पूरा सिस्टम, सिस्टम मतलब लाइन में और साथ में सर्विस लेने के जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 4 आवर्स, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पे भी बताया था ना सर्विस लेट कितना है, 1 आवर है। तो 1 आवर मतलब कि अगर उनको लाइन में खड़े होने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं और टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, दैट मीन्स 1 घंटा उनको सर्विस लेने के लिए लग रहा है। तो मतलब हमारा आंसर क्या जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते थे हम, आइडल रेट लास्ट में। तो आइडल रेट मतलब रो नॉट इज इक्वल टू 1 - रो, तो आइडल रेट रो नॉट इज इक्वल टू 1 - रो। और आइडल रेट मैंने बताया था कि जितना टाइम मशीन बेकार रहती है, ठीक है, जितना टाइम मतलब वर्कर बेकार में बैठा रहेगा, तो 1 - रो कितना आया था, 3/4, तो आ जाएगा इसका 1/4 आवर, इतना टाइम मतलब बेकार बैठता है। देखो हो गया आंसर, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये देखो रो हमने निकाला है, ठीक है, 3/4, ये म्यू निकाला है, फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर, फिर एल एस निकाला है, ठीक है, फिर एल क्यू निकाला है, फिर डब्ल्यू एस निकाला है, फिर डब्ल्यू क्यू एंड देन आइडल रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूइंग थ्योरी। तो अगर प्लीज़ सही लगा हो, समझ आया हो, तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच।